देश भर में NIA की टीम ने आज 70 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी देश में चल रही गैंगस्टर टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए की गई है। बताया जा रहा है कि देश में लगातार बढ़ रहे गैंगस्टर्स के नेक्सस को तोड़ने के लिए NIA एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गया है। इसी के मद्देनजर आज फरीदाबाद में रोहतक के सेक्टर एक निवासी और शराब कारोबारी रविंद्र मलिक के घर पर भी NIA की टीम ने छापेमारी की। रविंद्र मलिक रोहतक के एक जाने माने शराब कारोबारी हैं। बताया गया है कि उनके घर पर सुबह 5 बजे से NIA की टीम की छापेमारी जारी थी। NIA की टीम सुबह 5 बजे से 12 बजे तक रविंद्र मलिक के घर में मौजूद रही और इस दौरान स्थानीय पुलिस की टीम भी कार्रवाई का हिस्सा बनी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।